हाँ, नमक गोदाम से अंदर एक चौड़ी रोड आती है बस्तर कदम पे, वहाँ पे हमारा निजी मकान है। सर, बीते जो है शाम की बात है, हमारे घर में एक चोरी हुई है, काफी सामान सर गया है, जिसमें हमारी पत्नी के गहने, हम लोगों की अंगूठियां और कपड़े, बच्चों के कपड़े, और ये सारा सामान सर चोरी हुआ है, अप्रॉक्स 10 लाख रुपए का। ये कल रात की घटना है सर। हम पूरा परिवार काफी परेशान है। हम लोग 2 दिन के लिए गाँव में फंक्शन गए थे, हमारा गाँव है कच्छना, और यहाँ पर हमारा घर सर शहर में, यहाँ गंगादीप नगर नमक गोदाम इंदलपुर रोड पे सर मेरा घर है। मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा है सर, मेरे पिताजी का नाम है श्री केशरी नारायण शर्मा। हम वैसे जी रहने वाले कच्छना खाई गांव भीरपुर के हैं, लेकिन यहाँ पे पिछले 10 साल से मकान बना के रह रहे हैं सर, अपना निजी मकान बना के, गंगा दीप नगर नमक गोदाम इंदलपुर रोड के पास है सर। 2 दिन पहले 4 तारीख को हम लोग सर यहाँ से शाम को सर गाँव के लिए रवाना हुए थे, और अपने पड़ोसी और बगल में हमारे किरायेदार हैं, उनको ये बता के कि हम गांव के लिए जा रहे हैं। हर बार हम सर ऐसे ही जाते थे, 2 दिन 3 दिन गांव रुक के आते थे, कभी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कल रात की ये घटना है, जिसमें एक बृहद चोरी की गई, और इसमें सारे जेवरात, कपड़े, गहने और अप्रॉक्स 10 लाख का सामान जो है, चोर सारा चोरी करके उठा ले गए बीती रात से। पुलिस आई सर, एसओ साहब आए यहाँ, चौकी प्रभारी जो है तिवारी जी है, उन्होंने सारा तफ्तीश किया, उसका हर चीज का वीडियो बनाया, एक एप्लीकेशन लिखा, और ये हमको आश्वासन देके गए हैं कि उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा आप सबसे निवेदन है, उस पर जल्द से जल्द और उचित से उचित कार्रवाई की जाए, ताकि हमें एक न्याय मिल सके। हम एक आम आदमी है, खून पसीने की कमाई है सर हमारी, हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है सर, एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी में, हमारी बहुत कमाई नहीं है सर, हमने पाई पाई सर मेहनत करके जमाई थी, पिछले 15 से 18 सालों में जो इकट्ठा करी थी, उससे एक छोटा सा घर और ये सारी गृहस्थी बनाई थी सर, वो सारा सर चोर चुरा के ले गए। हम ये निवेदन करेंगे कि ये हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचे, और इसका असर पुलिस महकमे में हो, और जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे की जाए। धन्यवाद।